अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्लास फाइव, बुक का नाम है मैथ स्किल्स। मैथ स्किल्स क्लास फाइव। आज हम यूनिट नंबर करेंगे, यूनिट नंबर सिक्स, यूनिटरी मेथड। एक्सरसाइज है 6B, पेज नंबर 73। एक्सरसाइज 6B, पेज नंबर 73। क्लास फाइव मैथ, यूनिट नंबर सिक्स, यूनिटरी मेथड, एक्सरसाइज 6B, पेज नंबर 73। इसमें क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द एंटीसीडेंट एंड subsequent of the following ratios. The following ratios, write the antecedent and subsequent of the following ratio. जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि एंटीसीडेंट हम रेशियो में दो क्वांटिटीज के फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं और सब्सिक्वेंट सेकेंड एलिमेंट को कहते हैं। इसमें पार्ट नंबर वन है सी रेशियो जी। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर वन सी रेशियो जी। सी रेशो जी, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है सी है, इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, जबकि सेकेंड एलिमेंट जो है इसको हम सब्सिक्वेंट कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एंटीसीडेंट इज इक्वल सी, जबकि सब्सिक्वेंट इज इक्वल टू जी। फर्स्ट एलिमेंट एंटीसीडेंट है, जबकि सेकंड जो जी है वो है सब्सिक्वेंट। ये था क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर वन। नेक्स्ट है पार्ट नंबर टू, ट्वेंटी वन रेशियो 29। एंटीसीडेंट इज इक्वल 21 सब्सिक्वेंट इज इक्वल 29। फर्स्ट एलिमेंट एंटीसीडेंट, जबकि जो सेकेंड है रेशियो के अंदर क्वांटिटीज को सब्सिक्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थ्री, 36 रेशियो 37। एंटीसीडेंट इज इक्वल 36 सब्सिक्वेंट इज इक्वल टू 37। ये था पार्ट नंबर थ्री। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर फोर। टी रेशो एस एंटीसीडेंट इज इक्वल टू टी सब्सिक्वेंट इज इक्वल टू एस। पार्ट नंबर फाइव, एक्स रेशियो वाई। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट के बारे में
जो कि एंटीसीडेंट इज इक्वल टू एक्स है, जबकि सब्सिक्वेंट इज इक्वल टू वाई। ये था पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7। y रेशियो c, एंटीसीडेंट इज इक्वल y, सब्सिक्वेंट इज इक्वल z। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने 6 पार्ट किए, जिसके 6 पार्ट थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग write the following ratios in symbolic form. हमने रेशियोज को सिंबल के फॉर्म में लिखना है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 14 इज 21। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो पार्ट नंबर 1 है, 14 इज 221, इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे कि इस तरह हम रेशियो को डिनोट करते हैं। जैसे कि रेशियो के लिए हम कॉलन का साइन यूज़ करते हैं, टू डॉट्स यूज़ करते हैं, उस तरह हम इसको लिखेंगे। 14 इज 221 है, तो इसमें हम लिखेंगे 14 इस 2 की जगह पे आ जाएगा रेशियो का साइन और ये आ जाएगा 21। 14 रेशियो 21, 14 इज 221 का मतलब है 14 रेशियो 21, 14 एलिमेंट इस 2 की जगह पे रेशियो और 21 है। ये है हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म की, जिस तरह हम एक रेशियो को डिनोट करते हैं उसके लिए दो क्वांटिटीज में। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, U is to V. इसका आंसर आएगा U रेशियो V। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी और दरमियान में रेशियो का साइन, U रेशियो V। थर्ड, 37 is to 11. आंसर आएगा 37 रेशियो 11। ये कॉलन का साइन है, ये रेशियो को डिनोट करता है, 37 रेशियो 11। नेक्स्ट है 4, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, 31 इज टू 29। यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे 31 रेशियो 29। पार्ट नंबर 5, 15 इज टू 45, 15 इज टू 45 लिखेंगे 15 रेशियो 45। इस 2 की जगह हम यहाँ लिखेंगे रेशियो का साइन, जिसे हम रेशियो को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो लिखेंगे 15 रेशियो 45। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 6 है,
31 is to 25. 31 ratio 25 answer. It is student question number 3. Next try question number 4. Write the following ratios in their simplest form. Write the following ratios in their simplest form. कि हमारे पास यहाँ पे ratios हैं, उनको हमें simplest form में लिखना है. Part number 1. 10 ratio 15. 10 ratio 15. तो इस पर सिंपला फॉर्म बनाने के लिए हम इनमें कटिंग करेंगे सेम टेबल के साथ. दोनों क्वांटिटीज़ को सेम टेबल से हम कट करेंगे. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 10 ratio 15 है, तो इनको हम सेम टेबल से कट करेंगे और इनकी हम सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे. इसमें 10 है, ये 2 के टेबल में आता है 10, लेकिन 15 2 के टेबल में नहीं आता. तो हमने ऐसा टेबल देखना है जिस टेबल में ये दोनों नंबर्स आए, 10 भी उस टेबल में आए और 15 भी उस टेबल में मौजूद हो. तो उसमें हम जानते हैं कि 5 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, जैसे कि 5 2 द 10 और 5 3 द 15. 5 3 द 15. तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 10 रेशो 15. अब हम इसको टेबल ऑफ 5 के टेबल से कट करेंगे. 5 2 टाइम 10, 5 टू द 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15. हमने यहाँ पे टेबल कौन सा यूज़ किया है, टेबल ऑफ 5 का टेबल. 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. तो अब यहाँ पे 2 और 3 है, ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि आगे नेक्स्ट ये कोई एक ऐसे टेबल में दोनों नंबर्स नहीं आते. 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 अपने टेबल में आता है, 3 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, 3 भी अपने टेबल में आता है. तो ये कट नहीं होंगे, ये हमारे पास 10 रेशो 15 की सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, 2 रेशो 3. 5 टू द 10, 5 3 द 15. नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, 8 रेशो 24. 8 ratio 24. इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्मॉल टेबल 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 के टेबल इसको करते हैं, 2 4 टाइम 8, ये हमने कट किया, 2 4 द 8. इसी तरह से 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4. नेक्स्ट अगेन ये 2 के टेबल में कट होगा, 2 2 टाइम्स 4, और इस तरह से 2 6 द 12, 2 टू द 4, 2 6 द 12. अगेन इसको कट करेंगे, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 3 द 6. तो हमने टेबल यहाँ पे कौन सा यूज़ किया है, टेबल ऑफ 2. हमने यहाँ पे टेबल नंबर 2 यूज़ किया. तो हमने इसको कट किया, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 2 टाइम 4, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 3 द 6. तो हमने इसको कट किया. अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, 1 रेशो 3. ये था पार्ट नंबर 2. नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 3 है, 14 रेशो 28. 14 रेशो 28. स्टूडेंट 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं इसको. 2 के टेबल में 14 आता है, कहाँ पे, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा
14. इसको कट करेंगे, 2 7 ज़ा 14, नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8. नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे पास 7 है और 7 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, और इसी तरह से 7 2 ज़ा 14, यानी कि ये दोनों नंबर्स जो हैं ये 7 के टेबल में आते हैं, तो इसको लिखेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 14:28 की, सिंपलेस्ट फॉर्म है 1:2. पार्ट नंबर 4, 25:30. इसको हम टेबल 5 से करेंगे, टेबल ऑफ 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30. के 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25, और 5 के टेबल में भी 30 भी आता है, 5 6 ज़ा 30. तो ये 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30. अब 5:6 है, ये किसी, ये दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में नहीं आते, क्योंकि 5 इसमें एक प्राइम नंबर है, 6 एक कंपोजिट नंबर है. तो ये 5:6 सिंपलेस्ट फॉर्म है 25:30 की, ये हमारा आंसर. नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, 16:18. 16:18, यहाँ पे हमने ये 16 लिखा और यहाँ पे ये 18. टू के टेबल से इसको करेंगे टेबल ऑफ 2, टू के टेबल में 16 आता है, 2 8 टाइम 16, और इसी तरह से 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18. अब यहाँ पे 8 और 9 है, तो दोनों 8 जो है 2 के टेबल में, 4 के टेबल में आता है, लेकिन 9 जो है वो 2 और 4 के टेबल में नहीं आता. तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 16:18 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी वो आएगी स्टूडेंट 8:9. ये हमारा आंसर. नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6, 32:40. 32:40. हम टू के टेबल से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, अब 3 में से 2 तो हमने कट किए, आगे नेक्स्ट 1 जो है वो कैरी. अब ये है हमारे पास 12, और 2 के टेबल में 12, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, ये भी हमने कट किया. नेक्स्ट 2 टू ज़ा 4 और 0 एज इट इज़ नीचे, 2 टू ज़ा 4 और ये 0 हम नीचे शिफ्ट कर लिया. अब ये आ गया यहाँ पे 16:20. अगेन 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2 और 0 एज इट इज़. अगर आप इस तरह भी कह सकते हैं 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20. अगेन इसको अभी भी सॉल्व करेंगे, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. तो सर 4:5 है, 5 एक प्राइम नंबर है और 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर. तो ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं, ये दोनों अलग अलग टेबल्स में आते हैं. तो यहाँ पे ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 32:40 की, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 4:5. इसको हमने किस टेबल से सॉल्व किया, टेबल ऑफ 2, 2 के टेबल से इसको हमने सॉल्व किया है. तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6B, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व किया. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.